तो वेलकम बैक माय चैनल दोस्तों, कैसे हो आप सब। छह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल का मैच, तो सब लोग बहुत एक्साइटमेंट है, सब में काफ़ी एक्साइटमेंट है। और देखिए निमित रेडी होके नीचे जा रहे हैं, उन्होंने नीचे ही स्क्रीन पे मैच देखा, हम लोग घर पे ही देख रहे थे। जब पूरी ऑस्ट्रेलिया खेलने लगी थी ना, तो उसके बाद कुछ इस तरीके के डॉट बोले जब मैंने देखे, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। काफ़ी घबराहट पहले थी, जो हमारे स्कोर थे उनको देख के, उनके जब 3 विकेट निकले तो बहुत अच्छा लग रहा था। बाद में हम लोग जब नीचे देखने चले गए स्क्रीन पर, और 3 विकेट के बाद तो मानो विकेट निकल ही नहीं रहे थे, तब ऐसे घबराहट सी होने लगी। हाँ, बहुत ऐसा लग रहा था बस कोई एक विकेट कैसे करके निकाल दे। आगे जाके खेलने का है, ये धीमी पीछे लो बाउंस के पीछे तो आगे बढ़ के जाते डगआउट की तरफ। टाइम पे आसान नहीं है बाउंड्रीज मारने के लिए, तो टैक्टिक की ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल में फर्क क्या है कि ऑस्ट्रेलिया एटलीस्ट 30 रन बचे हैं फील्ड में इनकी फील्डिंग के साथ। तो ये ट्रैक जो दिख रहे हैं सर, काफी स्पॉट्स काला सफेद, लेकिन ये पिच इतना बुरा नहीं है जैसा खेल रहे हैं, काफी ठीक खेल रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया को पता है कि अगर ड्यू होगा बाद में तो ये पिच और भी अच्छा हो जाएगा, तो 280 तो करना पड़ेगा। और इसी वजह से ये साझेदार इतनी इम्पोर्टेंट इस मैच के लिहाज से कि आप लोग यहाँ पे बैटल चल रहे हैं, बल्ले और गेंद के बीच में चल ही रहा है, एक मस्तिष्क और दूसरे दिमाग के बीच में चल रहा है। प्लान यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और प्लान विफल भी किए जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ ये प्लान होना चाहिए। यहाँ पे बैटल चल रहे हैं, बल्ले और गेंद के बीच में चल ही रहा है, एक मस्तिष्क और दूसरे दिमाग के बीच में चल रहा है। प्लान यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और प्लान विफल भी किए जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ ये प्लान होना चाहिए।